इस मॉड्यूल में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की सब क्लास क्रस्टेशियंस में क्लास सीरीपीडिया को डिस्कस करेंगे इस क्लास के मेंबर्स को कॉमनली हम बारनेकल्स कह देते हैं ये बारनेकल्स जो हैं ये सिसाइल हैं यानी नॉर्मोटाइल हैं ये मूवमेंट नहीं कर सकते एंड देन दे आर मॉडिफाइड इनटू टू अडल्ट एक्सक्लूसिवली मेरीन एनिमल्स हैं इनके अंदर नॉर्मली वन थाउजेंड स्पीशीज़ जो हैं बारनेकल्स की दे आर कंसिडर टू बी प्रेजेंट इन द सी और अदर मेरीन इन्वायरमेंट मोस्टली बारनेकल्स जो हैं मोनेशियस हैं यानी एक ही एनिमल्स के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद हो अब चूँकि ये प्लैंकटोनिक है तो प्लैंकटोनिक इनके अंदर जो लार्वा होगा नोप्लियस दिस इज फॉलोड बाय प्लैंकटोनिक अनदर लार्वल स्टेज जिसका नाम है साइप्रस लार्वा अब साइप्रस लार्वा जो है दिस विल डेवलप अ डिवेलपल्व कैरापेस ओवर इट्स बॉडी सरफेस। सरफेसाइप्रियस लार्वा जो है दिस विल इट इज फ्री फ्लोटिंग बट आफ्टर सम टाइम दिस विल अटैच इट्सल्फ टू सम समेटम बाय इट्स फर्स्ट एंटीने और फिर उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होगा एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस दिस विल डिवेलप इंटू दी अडल्ट फिर इसके मेटम और फोसिस के प्रोसेस में एबडोम जो है दैट इज नॉर्मली रेड्यूस्ड ग्रैक जो है दैट गेट्स कन्वर्टेड इंटू आ यू शेप स्ट्रक्चर इसके भी अपेंडिजिज जो हैं थॉरिक्स रिजन पर प्रेजेंट होंगे सो दे विल भी नोन एज द थोरेसिक अपेंडेजिज अब थ्रेसिक अपेंडेजिज जो हैं ये मॉडिफाइड है फिल्टरिंग के लिए एंड फिल्टर फीडिंग में यूज होंगे और वहाँ से ये फूड पार्टिकल्स को लेकर जाएंगे माउथ में कैलकेरियस प्लेट्स प्रेजेंट हैं कैरापेस के ऊपर अडल्ट स्टेज में नेकल्स जो हैं क्योंकि ये सिसाइल हैं सो दे विल अटैच दैम टू वेराइटी ऑफ सबस्ट्रेट किस किस के साथ अटैच हो सकते हैं रॉक्स के साथ आउट क्रॉपिंग्स के साथ शिप बॉटम्स के साथ वेल्स के साथ या कोई भी एनिमल जो कि इसमें मेरीन इन्वायरमेंट में मौजूद है उसके साथ ये सिसाइल एनिमल अपने आप को अटैच करें कुछ ऐसे बार्स भी हैं जो कि सब स्ट्रेडम के साथ अपनी एक स्टाक के साथ अटैच करेंगे कुछ जो हैं उनके अंदर स्टाक मौजूद नहीं होती उनको हम नॉन स्टाक कहेंगे और इनका नाम है एक और बारनेकल्स बारनेकल्स जो हैं ये कोलोनाइज करेंगे शिप बॉटम्स पे जब ये बहुत ज़्यादा इनकी कोलोनाइज शिप बॉटम पे हो जाएगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा जो शिप्स हैं उनकी स्पीड को रिड्यूस कर देंगे और उसकी फ्यूल एफिशिएंसी को भी डिस्टर्ब करेंगे ज़्यादा टाइम एफर्ट और मनी जो है दैट हैज़ बिन डिवोटेड ऑन कीपिंग द रिसर्च या शिप्स जो हैं उनको फ्री ऑफ बारनेकल के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च और मनी की इन्वेस्टमेंट भी की जाती है। कुछ ऐसे बारनेकल्स हैं दे आर मॉडिफाइड into हाईली पैरासाइट्स अब इनकी एवोल्यूशन जो पैरासिटिज्म की है बारनेकल्स में दिस इज द लॉजिकल कंसिक्वेंस ऑफ लिविंग अटैच टू अदर एनिमल अब क्लास सिरिकपीडिया इसमें बारनेकल्स की मॉडिफाइड बॉडी फॉर्म देखें इसमें बिकॉज दे आर सीरीपीडिया तो इसके अंदर किस वजह से इसका नाम है सिर राय दीज आर द स्ट्रक्चर दैट आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द माउथ इसी वजह से इस क्लास का नाम है सीरीपीडिया माउथ है एनस है अब बिकॉज दे आर मोनीशियस तो इसमें ओवरी और मेल ऑर्गन्स जो हैं दे विल बी प्रेजेंट इन द सेम बॉडी एडहीसिव ग्लैंड प्रेजेंट हैं क्योंकि इससे है इन्होंने अपने आप को किसी भी सब के साथ अटैच करना होता है इसलिए एडहेसिव ग्लैंड्स मौजूद होंगे नेक्स्ट जो है इसमें स्ट्रक्चर है पेडंकल पेडंकल जो है दोनों तरह से आपको बताया था कि ये या तो अपने आप को स्टाक के साथ अटैच करेंगे या अपने आप को विदाउट स्टाक अटैच करेंगे तो जो स्टाकलेस बार निकल्स होंगे उनके अंदर पेडंकल स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होगा तो दिस इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल of class cirripedia showing all its structures and functions